दोस्तों क्या होगा अगर अंतरिक्ष में ही बच्चा पैदा होगा तो, है ना? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में ही जानने की पूरी कोशिश करेंगे, साथ ही आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज हम पृथ्वी पर ही जीवन की परिभाषा का सही मूल्य बोध कर सकते हैं। ही वो प्लेनेट है जहां हम कुदरत की सबसे खास रचना जीवन के सही परिभाषा को व्यापक रूप से देख व महसूस कर सकते हैं। आज दुनिया में 391,000 से भी ज़्यादा पौधों की प्रजाति और 87,00,000 से भी ज़्यादा जीवों की प्रजाति देखने को मिलती है। वास्तव में इतनी ज़्यादा विविधता शायद ही दूसरे किसी ग्रह पर ढूंढने से मिलेगी। विडंबना की बात तो ये है, हम में से जीवित 86% प्रजातियों के बारे में सही रूप से खोज भी नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी करोड़ों सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और ये सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ बनाती हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है और अंततः हमारे शरीर का निर्माण होता है। वैसे तो सेल्स हमारी बॉडी की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं लगता क्योंकि हमारे शरीर की जो बनावट है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक पदार्थों से मिलकर हुई है, और ऐसे में हमारी बॉडी की असली जान प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिंस, हार्मोन्स आदि ही हैं जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और हमारी सेल्स इन सब चीज़ों से मिलकर बनी हैं। क्यूरियोसिटी की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जिन चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है उनकी देखभाल के लिए अनुकूल वातावरण धरती पर ही मौजूद है, और ऐसे में यदि किसी तरह अंतरिक्ष में बच्चा पैदा हो भी जाता है तो उसके अनुकूल वातावरण बनाने व खोजने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या मनुष्य अंतरिक्ष में बच्चा पैदा करने योग्य है? ये क्वेश्चन वाकई में काफ़ी क्यूरियोसिटी से भरा है और इंटरेस्टिंग भी है। दोस्तों ह्यूमंस के लिए धरती पर प्रजनन करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, लेकिन ऐसा वातावरण अंतरिक्ष पे उपलब्ध नहीं है। दरअसल बात मैं कर रहा हूँ माइक्रो ग्रेविटी की। अभी माइक्रो ग्रेविटी क्या है? डोंट वरी क्यूरियोसिटी बॉय, है ना? आसान भाषा में अगर कहूँ तो माइक्रो ग्रेविटी एक बहुत ही कमज़ोर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण को दर्शाता है जो कि डेफिनेटली स्पेस में प्रेजेंट ही नहीं है। इसे हम केवल अर्थ के लोअर ऑर्बिट में ही महसूस कर सकते हैं। फिर सवाल उठता है, क्या एक मनुष्य का बच्चा अंतरिक्ष में पैदा हो सकता है? इस सवाल का जवाब सुनकर आप शायद अचंभे में पड़ जाएं और चौंक जाएंगे, क्योंकि एक थ्योरी के मुताबिक मनुष्य के बच्चे को अंतरिक्ष में पैदा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक इंसान फिजिकली केवल चांद तक ही पहुंच पाया है, और ऐसे में अंतरिक्ष के बाकी हिस्से के बारे में एग्जैक्टली कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अंतरिक्ष में बच्चा पैदा करने के लिए माइक्रो ग्रेविटी के अलावा और भी कई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। दोस्तों ह्यूमन स्पर्म यानी कि शुक्राणु बच्चे को पैदा करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। ये तो आप भी जानते होंगे कि बिना स्पर्म के बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता। धरती पर स्पर्म आसानी से फीमेल एग सेल को फर्टिलाइज करके युग्मनज यानी कि जायगोट बना लेता है, लेकिन यही काम ग्रेविटी के अभाव में अंतरिक्ष में नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही एक और चैलेंज है, और वो ये कि अंतरिक्ष में वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर न होने की वजह से माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं कर पाएगा, और ऐसे में उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन संभव है कि किसी तकनीक की सहायता से इसका भी तोड़ ढूंढा जा सकता है, लेकिन ये तो बाद की बात होगी। लेकिन इन सब के अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमेशा उड़ते रहने की वजह से बच्चे की सुरक्षा सही से नहीं हो पाएगी, और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए स्थिरता होना ज़रूरी है यानी कि स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है जो कि केवल अर्थ पर ही मौजूद है। दोस्तों अगर हम इन समस्याओं को किसी तरीके से पार भी कर लेते हैं तो अंतरिक्ष में बच्चा पैदा होने के बाद उस पर अंतरिक्ष का असर दिखना शुरू हो जाएगा। किसी भी इंसान के लिए पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर सही तरीके से जीवित रह पाना अपने आप में ही एक चुनौती है। दोस्तों बच्चे के जीवन की प्रारंभिक अवस्था में उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, जो चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ेंगे आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये चैलेंजेस काफ़ी रिसर्च के बाद प्रिडिक्शन के आधार पर मैं बता रहा हूं,
यानी कि वैज्ञानिकों ने कई सारी रिसर्च करने के बाद इन प्रेडिक्शंस को दिया है। नंबर वन, मानसिक दबाव। ये जो चीज़ है ना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे दिमाग में बनने वाला दबाव हम सभी को हर पल परेशान करता ही रहता है। जब एक बच्चा अंतरिक्ष में पैदा होगा तो उसे बहुत बड़ा मानसिक दबाव सहना होगा। पृथ्वी से विपरीत अंतरिक्ष में उस की देखभाल के लिए कोई सही से प्यार करने वाला नहीं होगा। वह ज़्यादा लोगों से मिलजुल भी नहीं पाएगा, नई नई चीज़ों को सही से महसूस नहीं कर पाएगा। उसका जो रैशनल डेवलपमेंट है ना, वो भी रुक जाएगा। इसी कारण से बच्चे के मन में हमेशा एक आलसीपन देखने को मिलेगा। खेल कूद से दूर एक जगह पर घूमते घूमते दिमाग में रचनात्मकता की कमी दिखाई पड़ेगी। तो अंतरिक्ष में जीवन की शुरुआत करना बहुत मुश्किल काम है। मानसिक दबाव बच्चे को हमेशा सताता रहेगा, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नंबर टू, अस्थिरता का बोध, मोशन सिकनेस। अंतरिक्ष कभी स्थिर नहीं रहता, यहाँ हर एक वस्तु काफ़ी तेजी से गतिशील रहती है। दोस्तों, हमने माना कि गति करना जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको हर समय हर पल किसी एक यान में भर कर तेजी से घुमाया जाए तो क्या आपको बीमारियों से महसूस नहीं होगा? इसलिए आप थोड़ा उस नाजुक से बच्चे के बारे में भी सोच लें। नंबर थ्री, त्वचा में बदलाव। बचपन से हमारे शरीर में बहुत प्रकार के तरल पदार्थ या यूँ कहूँ ऐसे लिक्विड मटेरियल्स होते हैं जो हर पल हमारे शरीर में बहते रहते हैं। खून जैसे और भी कई सारी लिक्विड चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में मौजूद हैं, और ग्रेविटी की वजह से ये चीज़ें हमारे शरीर में बैलेंस्ड होती हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने की वजह से ये चीज़ें बैलेंस्ड नहीं रह पाएंगी, जिसकी वजह से हमारे फेस पर सिकनेस या फिर यूँ कहूँ तो स्वेलिंग जैसा महसूस होने लगे। नंबर फोर, दिल के ऊपर भी इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। यानी कि पृथ्वी पर जब हमारा शरीर सही से काम कर रहा होता है, तब हमारा दिल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत शरीर में खून को दबाव के साथ भेजता रहता है। जब अंतरिक्ष में बच्चा पैदा होगा तब उसका दिल गुरुत्वाकर्षण से वाकिफ न होकर काम करेगा। नंबर फाइव, विकिरण का प्रभाव यानी कि रेडिएशन का इफेक्ट। दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत सारी रेडिएशंस हमेशा रेडिएट होते रहते हैं। हमारी सौरमंडल में रेडिएशन हमें सूर्य से ही मिलता है, लेकिन धरती के ऊपर बनी ओजोन लेयर है जो इन खतरनाक रेडिएशंस को से हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन जब एक बच्चा अंतरिक्ष में पैदा होगा तो उसके पास ओजोन लेयर जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, इसलिए वो विकिरण से नहीं बच सकता। इससे उसका गुणसूत्र म्यूटेशन के चलते परिवर्तित हो जाएगा। बाद में यही उस बच्चे में अल्जाइमर जैसे घातक बीमारी का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, रेडिएशन से मनुष्य का इम्यून सिस्टम भी जवाब दे देता है। क्रमागत रूप से WBC की कमी के चलते हमारा शरीर आसानी से कई सारी बीमारियों का घर बन जाएगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितना सह पाएगा। नंबर सिक्स, हड्डियों और मांसपेशियों में भी एक डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये जो आखिरी प्रभाव है ना, ये आपको बता देगा कि अंतरिक्ष कितना क्रूर हो सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में हर वक्त जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमें हर क्षण भर के लिए संघर्ष करना छोड़ दें तो हमारा जीवन उसी वक्त खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर देखा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को बहुत सारी तकलीफ़ों से नियमित रूप से गुजरना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण हमारी स्पाइनल कॉर्ड खींचकर लंबी हो जाती है, जिससे कि स्पेस ट्रैवलर्स की लंबाई में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे शरीर की हड्डी और मांसपेशियों को ज़्यादा दबाव झेलना नहीं पड़ता, इसी वजह से धीरे धीरे ये शरीर से गायब होना शुरू कर देती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष में रहने वाले वैज्ञानिक नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहते हैं। इसे विज्ञान में एट्रॉफी कहा जाता है। तो अगर अंतरिक्ष में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए भी नियमित रूप से एक्सरसाइज करना अनिवार्य है। थोड़ा सोचिए कि कल ही पैदा हुआ बच्चा कैसे एक्सरसाइज करेगा, है ना? इसी अंतरिक्ष में पैदा हुआ बच्चा रिकेट्स जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।